हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। और आज मैं बनाने वाली हूँ छोले। जैसे घर में इस्तेमाल करते हैं सादे सिंपल छोले, आलू डालकर। ये देखिए, मैंने ये छोले जो रात मैंने भिगो के रख दिए थे, अब मैंने ये धो के साफ कर लिए हैं। और अब मैं ये रख लेती हूँ कुकर में आलू रखूंगी। और मैं ये छोटे छोटे मैंने तीन आलू लिए हैं, आलू। और मैं थोड़ा सा इसमें सोडा डाल दूंगी। इसके बाद ये पानी मैंने गर्म कर रखा था जल्दी से, और ये पानी इसमें डाल दूंगी। इसके बाद मैं इनको उबलने रख दूंगी, और इसमें डालूंगी एक चम्मच रिफाइंड, ताकि ये ऊपर को उफने ना। अब देखिए, इधर हमारा तेल ये तैयार हो चुका है। देखिए, अब ये मैंने कुकर बंद कर दिया है। छोले उबलेंगे, इतने में इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। देखिए, ये मैंने तड़के के लिए, छौंक के लिए ये लहसुन और दो हरी मिर्चें और प्याज, इनको मैं पीसूंगी। देखिए, ये पिस के हमारा तैयार हो चुका है, और ये हमारा तेल भी लाल हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा जीरा, एक काली इलायची, दो सफेद इलायची, लौंग, काली मिर्च, और ये दालचीनी और तेजपात, इससे मैं तड़का लगाऊंगी। ये मसाला मेरा हो चुका है, और इसमें मैं डालूंगी प्याज। दो टमाटर छोटे छोटे मैंने पीस लिए हैं इसमें। अब हम इसे टमाटर डालकर थोड़ी देर इसे चलाएंगे। देखिए, दो सीटी लग चुकी हैं। अब मैंने ये कुकर की गैस बंद कर दी है, और अब यहाँ मैं टमाटर की प्यूरी भी पक चुकी है, और मैंने लिए हैं ये मसाले। ये हल्दी पाउडर है आधा चम्मच, और आधा चम्मच से कम ये कसूरी लाल मिर्च, ये है अमचूर मसाला, और ये लाल तीखी मिर्च, धनिया पाउडर, और ये है चना मसाला। ये सारे में मसाले इसमें ऐड कर दूंगी। देखिए, छोले हमारे उबल कर तैयार हो गए हैं, और अब इसमें मैं थोड़ी सी नमक बाकी रह गई थी, नमक ऐड कर देती हूँ। मसाला हमारा भुनने वाला है, उसके बाद हम ये आलू इसमें से निकाल के फोड़ के और इसमें भुनेंगे। ये आलू ये मैंने मैश कर लिए हैं, और उसके बाद मैं ये कढ़ाई में मसाले में छोड़ूंगी। मैं जो ये छोले हैं वो भी मिक्स कर दिए। देखिए, अब थोड़ा सा इसमें पानी छोड़ देते हैं। अब हम इसको प्लेट से ढक देंगे। तो देखिए, 10 मिनट तक मैंने इनको मीडियम आंच पे पकाया है, और अब मैं देखती हूँ मेरे छोले तैयार हैं या नहीं। ये देखिए, छोले तैयार हो चुके हैं, और अब मैं इन्हें सर्व करूंगी।
देखिए मैं इन्हें चावलों के साथ सर्व करूंगी। और ये जो मैंने छोले बनाए हैं इनमें मैंने ज्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है, ये जैसे घर बनाते हैं सादे सिंपल छोले उसी तरीके से मैंने छोले बनाए हैं। तो देखिए ये मैंने छोले कटोरी में कर लिए हैं। अब मैं इन्हें हरे धनिए से गार्निश करूंगी, हरा धनिया इसके ऊपर डालूंगी। मेरे छोले तैयार हैं। फ्रेंड्स धन्यवाद। अगर मेरे हाथ के सिंपल सादे छोले पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।